मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि जल्द से जल्द उनके प्रति जो भी मतलब ये आरोप लगे हैं इनको दूर किए जाएं और सच का सभी के सामने सच को लाया जाए। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ निकिता जी हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, डेरा सच्चा सौदा में ये बचपन से जुड़ी हुई हैं। इनसे जानते हैं कि बीइंग गर्ल इनका कैसा कहना है कि डेरा सच्चा सौदा में एनवायरनमेंट कैसा है लड़कियों को लेकर। निकिता जी द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है, आप बचपन से आ रहे हो डेरा सच्चा सौदा में। जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। एज अ गर्ल मैंने यहाँ पे आके बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखी हैं। मैंने आज तक कुछ भी ऐसा फील नहीं किया जो कि जो भी यहाँ पर कहा गया है कि जो कि हो रहा है। पिताजी के चलते ही जो पिताजी पे ये मुद्दा चला और सच को दबाया गया, तो इसी मुद्दे को नज़र में रखते हुए मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे कुछ ऐसा बनना चाहिए जो कि अन्याय को दबाकर और न्याय करे। इसलिए मैं आज उनकी कृपा से लो कर रही हूँ ताकि आगे चलकर किसी भी इंसान के साथ जब अन्याय होए तो मैं उसको दबा सकूं। और उन्होंने उन्हीं की कृपा है कि जो हमारे घर में आज तक कभी भी किसी मेल ने शराब मीट किसी को भी आज तक हाथ नहीं लगाया, और अभी भी उनमें ऐसे सारे संस्कार हैं जो पिताजी ने हमें सिखाए हैं। हम आज तक ऐसे कामों को करते हैं, ऐसे सबकी मदद करते हैं जैसे पिताजी ने हमें सिखाया है। हम अगर सोसाइटी की बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस भी बने हुए हैं भी गर्ल्स और बॉयज़ में इनइक्वालिटी ना हो, जी जी, लेकिन फिर भी सोसाइटी में रहता है ये एक फिनोमिना चला हुआ है। हाँ जी। आपको क्या लगता है गुरुजी ने कुछ ऐसा किया है कि इनइक्वालिटी को ख़त्म किया हो? गुरुजी ने हमेशा बेटियों को बेटों से भी ऊपर माना है, उन्हीं के चलते आज हमारे परिवार में भी हमें हमारे भाइयों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। गुरुजी ने शाही बेटियों के लिए भी चलाया कि बेटियों को कभी भी हमें वेस्ट नहीं समझना चाहिए, लड़कों के मुकाबले हमेशा उन्हें उच्च समझना चाहिए। और गुरुजी का क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए? गुरुजी का बहुत कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने नशे की जैसे महाभिशाप को हमसे दूर किया, उन्होंने हमें सिखाया कि नशा कितना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो उन्होंने बहुत से ऐसे कंट्रीब्यूशन किए हैं जो कि हम वी कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। आपने बात की कि संत जी के साथ अन्याय हुआ है, जी जी जी, आपकी नज़र में किस तरीके से उनके साथ अन्याय किया गया है हमारे समाज के द्वारा, या किस तरीके से उनके साथ अन्याय हुआ है? उनको ऐसे आरोप में फंसाया गया है कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते और जो कि हमने कभी आज तक फील ही नहीं किया यहाँ पर आके। हमें हमेशा बेटियों की इतनी ज़्यादा हमारी उन्होंने इज्जत की, हर चीज़ में हमारे को ऊपर रखा, तो फिर ऐसा कल्पना करना भी हम डेरा प्रेमियों के लिए पाप होगा। हम आश्रम में आते हो, आपने कभी भी किसी और से सुना हो या कभी किसी से? हमने कभी भी ऐसा नहीं सुना, और जो हमने सुना भी है तो भी हमें विश्वास नहीं हो सकता क्योंकि हमने कभी कुछ फील ही नहीं किया ऐसा एज अ गर्ल यहाँ पर कि ऐसा हो भी सकता है। सब उनका नेचर है कैसा? उनका नेचर तो अब शब्दों में हम बता नहीं सकते, वो तो हम फील कर सकते हैं कि उन्होंने हमें सच्चाई के मार्ग पे आगे बढ़ाया है। कभी उन्होंने हमें कोई भी ऐसी डीमोटिवेट नहीं किया कि हम कोई गलत काम करें, उन्होंने हमेशा हमें सच्चाई के रास्ते। करैक्टर कैसा है उनका? उनका करैक्टर तो मतलब अब उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट फिर भी उनके जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं। उन्होंने हमें इतना अच्छा बनाया, हमें बचपन से हमारे जन्म से पहले ही हम उनकी करिश्मों का सुनते आए हैं कि हम कैसे बचे, हमारे घर वालों पे जो मुसीबतें आई उन वो कैसे बचे। तो ये सब गुरु जी की कृपा है। जो कितने लोगों तक संत जी का इम्पैक्ट है आज के समय में, कितने लोग उनकी वजह से सोसाइटी में मेन स्ट्रीम में लाइफ जी रहे हैं? बहुत लोगों पर है, सारे फैक्ट है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं, तो ये तो मानी बात है कि भाई सब मानते हैं गुरु जी के कंट्रीब्यूशन को, मानते हैं उनको फॉलो करते हैं, उनको अपना आइडियल बनाते हैं। इम्पैक्ट अब क्या पड़ रहा है 3-4 सालों से जब से वो नहीं है सोसाइटी में? नहीं है तो बहुत कुछ कई लोगों ने मतलब गलत राह पे चलना शुरू भी कर दिया है जो कि गुरु जी ने हमें बचा रखा था कई चीज़ों से, पर उनके जाने से ऐसा इम्पैक्ट भी पड़ा है कि कई लोग थोड़े से बहक रहे हैं। पर फिर भी हम ये दुआ करते हैं कि गुरु जी अपने मिशन से आएँ और इन सबको अच्छी बातें दोबारा सिखा के इनको। आपके अकॉर्डिंग संत जी हमारे लॉ का किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं? वो हर तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे गर्ल्स और बॉयज़ में हमेशा इक्वालिटी उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई भी काम नहीं किया कि वो जो लॉ के अकॉर्डिंग वायलेटिंग हो। तो
उन्होंने कभी भी लोगों को वायलेट नहीं किया, हमेशा उसके अकॉर्डिंग ही चले हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने सारे ये अभियान चलाए हैं, जैसे कि बेटी नशा ये सब उन्होंने इन सबको मद्देनजर रखते ही आगे बढ़े हैं। क्या आज नीड है उनकी सोसाइटी को? जरूर है, उनकी नीड बहुत है, हम सब डेरा प्रेमियों के लिए भी है और जो नहीं भी मानते उनके लिए भी नीड है, क्योंकि उनको एक ऐसा गाइडेंस चाहिए कि जो उनको ये सब जो पाप हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में इन सबको वो दूर कर। क्या अपील करोगे आप सरकार से? मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि जल्द से जल्द उनके प्रति जो भी मतलब ये आरोप लगे हैं इनको दूर किए जाएं और सच का सभी के सामने सच को लाया जाए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, वेल एजुकेटेड लड़की हमारे साथ थी जो खुद भी लॉ कर रही है और किस तरीके से इफेक्ट रख रही है कि अन्याय हुआ है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह चिंसा के साथ। ये खुद भी डेरा सच्चा सौदा में बचपन से आ रही है। इसका कहना है कभी हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया जो मीडिया में करोड़ों लड़कियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा था, जो एक सच्चे समाज सुधारक को इस तरीके से बदनाम किया जा रहा था। इंसाफ की मांग लगातार हो रही है और अपील की जा रही है कि सोसाइटी को भी उनकी सख्त ज़रूरत है। आप लोग भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिएगा। सच की सोच को, मुहिम को आगे लेके जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।